नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बरेली प्रॉपर्टीज़ ऑन वेरी चीप प्राइस। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना बारिश का मौसम है और बारिश भी हो रही है, ठीक है, भीगते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम हर हालात में आपके लिए ऐसी जो लैंड होती है, जो आपको रिक्वायरमेंट होती है जिनकी, जैसे कि कोई बड़ी लैंड है या कम साइज़ की लैंड है, तो मैं आपको हर प्रकार की लैंड की जानकारी आपके लिए एग्रीकल्चर लैंड की लाता रहता हूँ। तो हो सकता है कि जो वीडियो अभी है वो आपके मतलब की ना हो, नेक्स्ट वीडियो आप ही के मतलब की हो, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है आपका। और प्लीज़ मुझे जो माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे लोगों के कॉल उठा मैं उठा नहीं पाता हूँ, क्योंकि राजाराम भैया का मैंने नंबर दे रखा है, आप उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि अभी हम जो पुल के नीचे हैं, यानी कि हाईवे का जो ओवर ब्रिज है उसका जो पुल है उसके हम नीचे हैं, और आप देख सकते हैं जैसे बारिश रुकी है, अभी हमने दोबारा निकलना स्टार्ट किया है दोस्तों। तो जो अब जो लोकेशन पर हम आज जा रहे हैं वो लोकेशन जो है दोस्तों डामर रोड पर है, और डामर रोड से मात्र जो है पूरा उसका फ्रंट लगा हुआ है, जैसे कि ये गाँव पहुँच चुके हैं हम। इसका मीरगंज से जो दूरी है दोस्तों करीब 12 किलोमीटर है ये मीरगंज से, और दिल्ली वाले रोड से भी अगर मैं इसकी बात करूँ तो 12 किलोमीटर अंदर है ये, और डामर रोड है। लाइट यहाँ पर पहुँची हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये जो साइड से देख रहे हैं ना, ये दोस्तों इसी खेत की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी जो प्राइस है वो 2,30,000 रुपये पर बीघा इसकी डिमांड है। जी हाँ, डिमांड है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी हो सकता है। जो जेन्युइन चीज़ होती है मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर जिसकी जो टोटल एरिया है, जो टोटल एरिया है दोस्तों, जो ये एरिया है टोटल आपको 250 बीघा, जी हाँ 250 बीघा यहाँ पर आपको मिल सकती है। पर क्या करते हैं दोस्तों, कई सारे लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे पास, ये मैसेज आते हैं कि भाई साहब इसमें से हमें 2 बीघा मिल जाएगी या 4 बीघा मिल सकती है, अभी 6 बीघा हमको या एक आध एकड़ मिल जाएगी। तो सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर एक पूरा चक होता है वही आपको मिल पाएगा, कोई भी आपको जो है उसमें से टुकड़े में आपको नहीं सेल करेगा। अगर छोटी लैंड होती है उसके लिए भी मैं आपको वो कई सारी वीडियो डालता हूँ, तो आप जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, कि उसमें भी मैंने जो है जो स्मॉल साइज़ की जो लैंड है वो भी मैंने डाल रखी हैं, उनका एक अलग कॉलम है, और जो बड़े बिग साइज़ की जो बड़े साइज़ की जो लैंड है उनका मैंने जो है एक अलग कॉलम बना रखा है, तो आप उसमें जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट इसमें बहुत है, धान आप देख ही रहे हैं धान कैसा है, मिट्टी आप देख सकते हैं मिट्टी इसकी जो कैसी है। तो आपको जो यहाँ पर मतलब हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, फिलहाल प्राइस भी इसकी जो है रीजनेबल प्राइस है, ठीक है, और निगोशिएशन इसमें हो सकता है, जेन्युइन इसमें प्राइस है और ज़्यादा गड्ढे में नहीं है, मिट्टी जैसे कि मैंने देखी रखी है आसपास के माहौल के देख रखा है। विलेज की अगर मैं बात करूँ तो पचपरा इसका जो गांव का नाम है, पचपरा, जी हाँ पचपरा गांव का नाम है, इसी गांव से निकलते ही ये जो है लैंड है। और ये जो दोस्तों ये जो रोड है ये कई सारे गाँव को जाता हुआ लिंक रोड है, कई सारे गाँव को जोड़ता है। तो आपके मतलब की वीडियो है, और आप इसमें आकर कभी भी मुझसे आकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरी जानकारी चाह लेनी हो तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। और मैं अगर एकड़ की बात करूं, पर बीघा की अगर बात करूं, तो एकड़ में दोस्तों वही 42,000 कुछ स्क्वायर फीट जो होते हैं वही सेम यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है, यानी कि जो एकड़ है वो पूरे भारत का समान है। अगर मैं बीघा की बात करूँ तो बीघा दोस्तों यहाँ का छोटा है, ठीक है, तो बीघा जो है 6,804 स्क्वायर फीट का बीघा है। मीटर की मैं बात करूँ तो 632 मीटर होते हैं, स्क्वायर मीटर होते हैं, और 756 गज स्क्वायर गज होते हैं एक बीघा में, गज का मतलब यार्ड, ठीक है, और स्क्वायर मीटर मैंने आपको बता ही दिए 632। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये ज़मीन है आपके, क्योंकि एकड़ तो लगभग में समान होता है। अगर एकड़ से अगर मुझसे बात करें तो अगर इसकी प्राइस की मैं एकड़ में बताऊं तो दोस्तों इसका जो प्राइस होगा वो होगा करीब 15 लाख रुपए पर एकड़ इसका डिमांड है, और इसकी जो है नेगोशिएशन हो सकता है, ठीक है दोस्तों, नेगोशिएशन इसमें हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पर ज़्यादा नहीं, ठीक है, आप सोचे कि नहीं 15 लाख से 10 लाख में आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जो भी है थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है, आप बस आकर पसंद कीजिए। देखिए पूरा इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आसपास कोई नदी नहीं, कोई नाला नहीं, ठीक है, एकदम सेफ जगह है, गांव के बिल्कुल पास में है, लाइट की सुविधा है, और मेन जो तहसील है वहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है, यानी कि कस्बा है छोटा सा मीरगंज, उससे 12 किलोमीटर दूर है दोस्तों। तो अगर ये लैंड आपको पसंद आई हो
ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। एक छोटी सी वीडियो थी मात्र 5 मिनट की, तो इसलिए मैंने सोचा।